रॉकस्टार गेम्स गेमिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसने अकेले ही पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। रॉकस्टार गेम्स के टाइटल लाइक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और रेड डेड रिडेम्पशन दुनिया के बहुत से गेमर्स के दिलों पर राज करते हैं। एंड हो या ना हो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी वीडियो गेम्स खेलने का शौक कभी रहा है तो ऐसा शायद ही होगा कि आपने रॉकस्टार गेम्स का कोई टाइटल ना खेला हो। मगर कैसे बिना किसी प्रोग्रामिंग और गेम डिज़ाइन की नॉलेज ना होने पर भी एक म्यूजिक लेबल कंपनी में काम करने वाले दो भाइयों ने दुनिया की सबसे बड़ी गेम पब्लिशिंग कंपनी बना दी, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉकस्टार गेम्स की कहानी शुरू होती है लंदन में रहने वाले दो भाइयों से, सैम और डैन हाउजर, जिन्होंने रॉकस्टार गेम्स की शुरुआत करी। सैम और डैन की मदर जेराल्डिन मॉफेट ब्रिटेन की एक फेमस एक्ट्रेस थी और उनके फादर एक म्यूजिशियन जो इंग्लैंड का सबसे पॉपुलर जैज क्लब चलाते थे, जहाँ सैम और डैन अक्सर जैज म्यूजिशियन के साथ हैंगआउट करा करते थे। 1980s के टाइम पे सैम हाउजर को एक बहुत ही शानदार चीज के बारे में पता चला जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी, जो थी वीडियो गेम्स। जब सैम हाउजर को वीडियो गेम्स के बारे में पता चला तो वो वीडियो गेम्स के उनको एक फिक्शनल वर्ल्ड में ले जाने के कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और फिर सैम के 18th बर्थडे पर उनके फादर उनको न्यूयॉर्क ले गए थे, जहां अक्सर वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में घूमा करते थे। एक दिन सैम अपने फादर के साथ लंच कर रहे थे और ये वो टाइम था जब सैम के फादर BMG रिकॉर्ड लेबल के एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने अपने फादर से पूछा कि रिकॉर्ड बिजनेस में सब लोग इतने एज्ड ही क्यों होते हैं, रिकॉर्ड बिजनेस में यंग लोग काम क्यों नहीं करते। और इस क्वेश्चन ने ही सैम को BMG रिकॉर्ड लेबल में अपनी पहली जॉब दिलाई। और अपने इस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड की ही वजह से सैम और डैन हाउजर को उस रिकॉर्ड लेबल की न्यूली ओन्ड गेमिंग बिजनेस की लीड दी गई, जिसका एक्चुअली में उस रिकॉर्ड लेबल कंपनी को भी नहीं पता था कि क्या करना है। और यहीं से इन दोनों भाइयों ने वीडियो गेम्स पर अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, जबकि उनको गेम डेवलपमेंट फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर 1997 में उन्होंने एक ड्राइविंग और शूटिंग गेम डेवलप किया जो आगे जाकर गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और शानदार फ्रेंचाइजी बनी। इनिशियली उन्होंने इस गेम का नाम रखा था रेस एंड चेज, बट एट द एंड वो इस गेम का नाम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रखने के लिए सहमत हुए। वैसे इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और फिर 1998 में BMG इंटरैक्टिव को टेक टू कंपनी ने खरीद लिया और कंपनी के इस एक्विजिशन की वजह से सैम, डैन और दो और एग्जीक्यूटिव न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने कंपनी की एक नई सब्सिडियरी बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया रॉकस्टार गेम्स। GTA के ओरिजिनल 2D वर्जन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था, बट GTA 3 के साथ जब इस फ्रेंचाइजी ने 3D वर्ल्ड पर कदम रखा तब इस गेम ने मार्केट में धूम मचा दी, क्योंकि इस गेम ने गेमिंग इंडस्ट्री में प्लेयर्स को पहली बार गेम में फुल फ्रीडम प्रोवाइड कराई। हम चाहें तो इस गेम में मिशंस को कंप्लीट करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ सकते थे, और अगर हमारा मन मिशंस करने का ना हो तो हम बड़े आराम से एक पूरी फिक्शनल सिटी में फ्रीली घूमते हुए लिटरली वो सब कुछ कर सकते थे जो हम रियल लाइफ में करने की कभी सोच भी नहीं सकते, और गेम का ओपन वर्ल्ड इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। हाँ, ये गेम वायलेंट तो था बट गेम में ऐसी खतरनाक चीज़ें करना जो शायद आप रियल लाइफ में करने की कभी सोच भी नहीं सकते, या फिर गाड़ी में आराम से पूरी सिटी में घूमना, इस गेम को और मज़ेदार बनाते थे। और GTA के इस फ्रीडम कॉन्सेप्ट की ही वजह से दुनिया के बहुत से लोग इस सीरीज के साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि इस गेम में हम बिना किसी भी बाउंडेशंस के साथ इस फिक्शनल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते थे। और जैसे जैसे रॉकस्टार गेमिंग इंडस्ट्री में अपने जॉनरा को और बेहतर बनाती गई, वैसे उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ऐसे गेम्स भी बनाने चाहिए जो काफ़ी कूल हों और जो सिर्फ गेमर्स तक ही लिमिटेड ना रहें।
और फिर अपने इसी आइडिया के साथ उन्होंने 2002 में GTA Vice City को लॉन्च करा, जो 1980s के मियामी में सेटअप था, जहां प्लेयर्स एक गैंगस्टर स्टोरी को एक्सपीरियंस करते थे। और ये गेम आज भी टॉप 100 बेस्ट सेलिंग गेम्स ऑफ ऑल टाइम में आता है। और अपने और गेम्स की सक्सेस लाइक मिडनाइट क्लब, मैक्स पेन और रेड डेड के साथ रॉकस्टार गेम स्टूडियो बहुत जल्द एक इंडस्ट्री लीडर बन गया। और एक तरीके से देखा जाए तो गेमिंग वर्ल्ड में हाउजर ब्रदर्स सही में रॉक स्टार्स हैं। रॉकस्टार गेम हमेशा वीडियो गेम्स के हर एक डोमेन को बेहतर करता रहा, लाइक गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स, डिजाइन और स्टोरी टेलिंग। बट रॉकस्टार के गेम बहुत जल्द अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार भी हुए। रॉकस्टार गेम्स पॉलिटिशियंस का उस टाइम पर एक मेन टारगेट बन गया था, जब वीडियो गेम वॉयलेंस का यूथ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की बात चलने लगी। मगर इस कॉन्ट्रोवर्सी का रॉकस्टार गेम्स पर एक पॉजिटिव असर पड़ा और रॉकस्टार गेम्स की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसके बाद हर कोई जानने के लिए ये क्यूरियस हो गया कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है जो इसको खेलने के लिए मना करा जा रहा है। और फिर 2004 में रॉकस्टार का एक सबसे रिवॉल्यूशनरी और आइकॉनिक गेम रिलीज हुआ, GTA San Andreas, जो आज तक 27th बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम बना हुआ है। और मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई होगा जिसने इस गेम को ना खेला हो, क्योंकि ये गेम तब पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया था कि कोई भी इसे खेलने से नहीं बचा था, क्योंकि Vice City के बाद से इसमें जो ग्राफिक इम्प्रूवमेंट आया था वो नेक्स्ट लेवल था। GTA San Andreas लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और लास वेगस के कॉम्बिनेशन का एक फिक्शनल वर्ल्ड था, जिसमें गैंग वॉरफेयर इस गेम की मेन थीम थी। और इस गेम में भी फ्रीडम कॉन्सेप्ट था, जहां मिशन ऑप्शनल थे और जहां प्लेयर्स के पास इस बड़े ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के साथ ही इसमें जो वो चाहें वो करने का ऑप्शन भी था। एंड मैं ऑनेस्टली कहूं तो GTA San Andreas PS2 पर मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम था, जिसको मैंने PS2 पर किसी भी और गेम से ज़्यादा खेला होगा। बट GTA San Andreas में एक मिशन हॉट कॉफी की वजह से इस गेम की कंटेंट रेटिंग के खिलाफ बहुत से कोर्ट केसेस फाइल हुए थे, क्योंकि इस मिशन में कुछ एडल्ट सीन दिखाए गए थे, जिसकी वजह से जहां पहले इस गेम को M रेटिंग दी गई थी, वहीं इस हिडन सीन के पता लगने पर इसको 18+ रेटिंग दे दी गई। बट गेम के इस रेटिंग शिफ्ट की वजह से रॉकस्टार को $25 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था, और एडल्ट रेटिंग मिल जाने की वजह से इस गेम की सेल बहुत से गेम्स स्टोर पर बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत से गेम स्टोर ने एडल्ट रेटिंग वाले गेम्स बेचने से मना कर दिया था। बट ये केस 2009 में सेटल हुआ और इसके बाद हॉट कॉफी मिशन को रॉकस्टार ने GTA San Andreas से पूरी तरीके से हटा दिया। हालांकि ये मिशन हॉट कॉफी नॉर्मल गेम प्ले में नहीं था, इसके लिए गेम को मॉड करना पड़ता था। और GTA San Andreas की रिलीज के बाद लोग रॉकस्टार के अगले हाइपर वायलेंट गेम का बेसब्री से इंतजार करने लगे। और इसी के साथ रॉकस्टार ने 2006 में अपना एक नया गेम रिलीज करा, टेबल टेनिस, जिसमें कोई भी वायलेंस और कोई भी स्टोरी नहीं थी, जस्ट एक सिंपल टेबल टेनिस गेम। बट रॉकस्टार का इस गेम को रिलीज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव था अपने नए गेम इंजन को दिखाना, बट इसका मतलब ये नहीं था कि रॉकस्टार अपने आइकॉनिक स्टाइल को अपने गेम्स में दिखाना बंद कर देगी। 2006 में ही रॉकस्टार ने अपना एक और गेम रिलीज करा, बुली, जो कि एक स्कूल लाइफ पर बेस्ड गेम था, जिसमें ज्यादातर वॉयलेंस सीन्स सिर्फ स्कूल यार्ड फाइट्स थी। और इसी के साथ प्लेयर्स इस गेम में एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करते थे, जहां इवन हम स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करते थे। और मेरे को तो बुली स्कूल लाइफ पर बेस्ड एक बेस्ट गेम लगता है। बट इसके बाद रॉकस्टार का जो नया गेम रिलीज हुआ, मैनहंट 2, उसमें इतना वॉयलेंस दिखाया गया था कि उसको एडल्ट्स ओनली रेटिंग दी गई और दुनिया भर में बैन कर दिया गया। बट उस टाइम रॉकस्टार को इस गेम के बैन होने से उतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि GTA उसका एक मेन गेम था जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और बहुत जल्द अगले GTA के गेम ने लोगों को एक बार फिर दिखा दिया कि रॉकस्टार क्या कर सकता है। GTA 4 न्यूयॉर्क पर बेस्ड GTA का अगला गेम था, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा
और वर्ल्ड का 34th बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम बना। रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन AKA रेज एक क्लोज सोर्स ओरिजिनल गेम इंजन था, जिसकी मदद से ही GTA 4 में हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स देखने को मिले। GTA 4 को प्रोड्यूस करने में $100 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 750 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे, और GTA 4 को बनाने के लिए रॉकस्टार ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। रॉकस्टार ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करके लॉस्ट म्यूजिशियंस को ट्रैक करवाया, जिससे वो उनके सॉन्ग्स के राइट्स को खरीद कर गेम में फीचर कर सकें, जबकि अभी रॉकस्टार का सबसे बड़ा गेम आना बाकी था। एंड फाइनली 2013 में रिलीज हुआ रॉकस्टार का आज तक का सबसे बड़ा गेम GTA 5, जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम है, जो आज तक $6 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और आप यकीन नहीं करोगे, बट जितना रेवेन्यू GTA 5 ने अकेले जनरेट करा है, उतना हॉलीवुड की बेस्ट ग्रॉसिंग मूवीज अवतार और अवेंजर्स एंड गेम साथ मिलकर भी नहीं कर पाई हैं। और GTA 5 ने $1 बिलियन का रेवेन्यू तो अपनी रिलीज के 3 दिनों के अंदर ही कवर कर लिया था, जबकि उस टाइम ये गेम सिर्फ कॉन्सोल्स पर ही रिलीज हुआ था। और रॉकस्टार ने GTA 5 को डेवलप करने के साथ एक बार फिर दोबारा प्रूव कर दिया कि वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। GTA 5 का मैप बहुत बड़ा था, ग्राफिक्स ऐसे थे जो उस टाइम कोई एक गेम से सोच भी नहीं सकता था, और गेम की स्टोरी 3 अलग अलग करेक्टर के बीच सेटअप थी, जिसमें सभी इंटरकनेक्टेड थे, और GTA 5 इससे पहले आए सभी GTA गेम्स की शानदार चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट था, जो कि एक बिल्कुल ही नए और एक्साइटिंग वर्ल्ड में सेटअप हुआ था। और अभी कुछ ही सालों पहले रॉकस्टार ने दुनिया में आज तक का आया सबसे बेस्ट और सबसे शानदार गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 को रिलीज करा, जिसको क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। गेम की एक एक चीज, फिर चाहे वो स्टोरी हो, ग्राफिक्स हो या फिर गेम प्ले हो, हर चीज टॉप नॉच और नेक्स्ट लेवल है। और मैं तो आजकल खुद इस गेम को खेल रहा हूँ, और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इससे प्यारा गेम मैंने आज तक नहीं खेला। और इन सभी बातों ने GTA के आने वाले अगले गेम GTA 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। और अब तो जैसा कि रॉकस्टार ने GTA 6 को ऑफिशियली अनाउंस्ड भी कर दिया है, तो दुनिया का हर एक गेमर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। और बहुत से र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि GTA 6 रॉकस्टार का सबसे बड़ा गेम भी हो सकता है। एक कंपनी जो अपने कंज्यूमर्स को चूज करने की एक कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए कमिटेड हो, ऐसा टाइम बीतने के साथ साथ बहुत कम ही देखने को मिलता है। बट इसको हाउजर ब्रदर्स और रॉकस्टार ने बहुत ही अच्छे से निभाया है। बिना किसी गेम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग की नॉलेज के साथ शुरू हुई और कंटिन्यूस कंट्रोवर्सीज का शिकार होती गई, रॉकस्टार गेम्स ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। गेम्स में फ्रीडम के साथ साथ बेस्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और शानदार स्टोरीज प्लेयर्स को प्रोवाइड करा के रॉकस्टार एक सबसे यूनिक गेम कंपनी और इस इंडस्ट्री की एक लीड कंपनी बन चुकी है। और हाउजर ब्रदर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक परफेक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लाना। और डैन हाउजर कहते भी हैं, अवर गोल एज अ कंपनी इजंट फॉर पीपल टू से दैट रॉकस्टार हैज गॉट अ गुड गेम डिजाइन बट बैड स्टोरीज, और गुड स्टोरीज एंड बैड गेम डिजाइन, वी वॉन्ट देम टू से रॉकस्टार मेक्स गुड गेम्स, इट्स अप टू अस टू मेक द बेस्ट स्टफ वी कैन मेक, it's not necessarily up to us to shout from the rooftops about how clever we are, how progressive we are or how sophisticated we are, it's our place to make stuff that's as good as it can be. aur main Dan Houser ki is baat se puri tarike se agree karta hu, aur main bhi hamesha har kisi se yahi kehta hu, aap jo bhi product content ya kuch bhi kaam kar rahe ho usko best of the best karo, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट किसी चीज को बेस्ट बनाना हमारे हाथ में है। तो रॉकस्टार गेम्स की स्टोरी से आज हम एक बहुत अच्छा लेसन ये ले सकते हैं कि हम जो भी करेंगे उसको बेस्ट करेंगे।
सो गाइस यही थी पूरी वीडियो रॉकस्टार गेम्स की हिस्ट्री पर। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आज इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका फेवरेट रॉकस्टार गेम कौन सा है। और मैं ऐसे ही और गेम्स कंपनी की हिस्ट्री पर भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे हिस्ट्री वीडियो किसी और गेम कंपनी पर भी बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे आने वाली ऐसी और एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मिस ना करो। और इस वीडियो को हर एक उस इंसान के साथ शेयर जरूर कर देना जिसने कभी ना कभी कोई रॉकस्टार का गेम खेला हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय।